सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज व्याकरण के अंतर्गत हम विशेषण के भेदों को पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं बच्चों, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम संख्यावाचक विशेषण को समझेंगे। संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं ये आप उदाहरणों के माध्यम से समझ पाएंगे। तो आइए आज संख्यावाचक विशेषण पर चर्चा करते हैं। संख्यावाचक विशेषण, सबसे पहले ये जानेंगे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, वो क्या कहलाता है बच्चों? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। आप ध्यान दीजिए, निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए वो संख्यावाचक विशेषण है। उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। और दूसरा उदाहरण है, इस कक्षा में कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं। तो बेटा, एक उदाहरण निश्चित संख्यावाचक का है और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक का। अब कैसे जान पाएंगे, आइए समझते हैं और उदाहरण। पहले संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? जिन विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पांचों आदि। यानी कि जितनी भी गिनतियां अगर आती हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले, तो जो संख्या का बोध कराए वो क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला है, मैं रोज 4 केले खाता हूँ। तो केले क्या है बेटा? केले के आगे कितने